नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएन आयुर्वेद यूट्यूब चैनल। आज आप सबको यंग मेल्स में होने वाली एक विशेष बीमारी जिसको कि वैरिकोसिल कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेस्टिकल की वेसल्स में सूजन आ जाती है और ये आमतौर पर एक तरफ के टेस्टिकल में होती है। मोस्टली पेशेंट लेफ्ट साइड प्रेजेंट करते हैं और कुछ पेशेंट में ये दोनों तरफ हो सकता है। सबसे पहले हम वेरिकोसिल के सिम्टम्स की बात करते हैं। मोस्ट कॉमनली यंग बॉयज जो परेशानी बताते हैं वो टेस्टिकल्स में सूजन और दर्द, भारीपन या तनाव का एहसास होना, टेस्टिकल्स में एक गांठ माला के दाने की तरह जिसको की बैग ऑफ वॉर्म बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली पुलिस या आर्मी की भर्ती के दौरान पता लगना, या कुछ पेशेंट जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी जांच के दौरान वेरिकोसिल का पता लगता है। वेरिकोसिल की जांच शारीरिक एग्जामिनेशन से की जाती है जिसमें डॉक्टर टेस्ट की जांच स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं और फिंगर से प्लेप्टिकोसल की संभावना लगती है, जो अल्ट्रासाउंड के वेसल्स को लेटे हुए और एक स्टैंडिंग पोजीशन में चेक किया जाता है और उनके फ्लो को तथा उनके साइज को नापा जाता है। अल्ट्रासाउंड से वेरिकोसिल के ग्रेड को पता किया जा सकता है और इसके रिपोर्ट के आधार पर ही आपकी ट्रीटमेंट को निर्धारित करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बीएन आयुर्वेद ब्रांड के ट्रिपल एक्स स्टेमिना जड़ी सप्लीमेंट को रेकमेंड करना चाहूंगी, जो पुरुषों के अंदर प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। थकान, शीघ्र पतन, नपुंसकता, मर्दाना कमजोरी, मास्टरबेशन से आई कमजोरी, वीर्य का पतला होना, नाइट फॉल, स्वप्न दोष, लिंग में ढीलेपन, छोटेपन जैसी समस्या को दूर करता है तथा इसके और भी अनेक फायदे हैं। ये बना है कीड़ा जड़ी अश्वगंधा, शुद्ध शिला जीत, अफ्रीकन बुलांदो, कोंच बीज, सफेद मूसली, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, बंग भस्म, सतावर, अकरकरा और भी कई सारी जड़ी बूटियों से। टोटल 40 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है, तो आप इस नेचुरल सप्लीमेंट का उपयोग जरूर करें। आपको कोई भी समस्या नहीं है फिर भी आप इस सप्लीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसे खरीदने की लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई अन्य बीमारी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बीएन आयुर्वेदिक संस्थान के अनुभवी डॉक्टरों से बात करके अपनी समस्या के हिसाब से घर बैठे दवा मंगवा सकते हैं। कॉमनली वेरिकोसिल को 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1, सूजन मामूली होती है और खड़े होने पर ही दिखाई देती है। ग्रेड 2, सूजन खड़े होने पर और लेटे रहने पर दोनों में दिखाई देती है। ग्रेड 3, जिसमें कि सूजन स्टैंडिंग और सपरमे पोजीशन में दोनों में बनी रहती है और अल्ट्रासाउंड में रिफ्लेक्स दिखता है। ग्रेड 4, जिसमें सूजन टेस्टिकल के ऊपर पार्ट में लगातार बनी रहती है और एक गुच्छे के रूप में अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है। वेरिकोसिल ग्रेड 1 और 2 के लिए कोई विशेष इलाज की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये कोई सिम्टम्स पैदा नहीं करता है, अगर वेरिकोसिल पेनफुल है या इनफर्टिलिटी का कारण बनता है, तो ग्रेड 1 और 2 में इसको इलाज की जरूरत है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 वेरिकोसिल का इलाज करवाना नहीं है और इसके इलाज करवाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। सर्जरी। सर्जरी में सर्जन टेस्टिकल से जाने वाली वेनस वेसल्स को काट देते हैं और वहां पर उनको स्टिच किया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट है एम्बोलाइजेशन। वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है जो वेरिकोसिल का इलाज करने के लिए की जाती है। इसमें कैथेटर को टेस्टिकल की वेन में एंजियोग्राफी की जाती है और स्पेसिफिकली उन वेसल्स में जाकर उनको मेटेलिक कोल्स या ग्लू से बंद कर दिया जाता है। वेरिकोस एम्बोलाइजेशन एक सेफ और इफेक्टिव प्रोड्यूसर है। इसको इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बिना बेहोश किए और बिना चीरा दिए कर सकते हैं। वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के बाद मरीज को कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी जाती है। पेशेंट को कुछ दर्द या भारीपन रह सकता है जो कि आमतौर पर 1 या 2 दिन में चला जाता है। वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। 90 मामलों में वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन से ठीक हो जाता है। और अंत में मैं आपको फिर से बता दूं कि वेरिकोसिल यंग मेल्स में होने वाली कॉमन समस्या है। आमतौर पर ये कोई लक्षण पैदा नहीं करती, लेकिन ये पेनफुल या इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती है। ये मेडिकल अनफिटनेस का कारण बनती है, तो इसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन एक सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है जो वेरिकोसिल का इलाज कर सकती है। ऐसे ही और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने पास इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से संपर्क करें या नीचे दिए गए लिंक पर मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अंडकोश की थैली में नसें बढ़ना या वेरिकोसिल का अक्सर कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन इसके चलते कम शुक्राणु बनने और शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी आने जैसी समस्याएं हो सकती है, जिसका परिणाम बांझपन हो सकता है। बांझपन वेरिकोसिल की एक सामान्य जटिलता है।
यदि आपको और आपके साथी को गर्भवती होने में समस्या हो रही है तो किसी प्रजनन विशेषज्ञ से मिलने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। जिन वारिकोसल का कोई लक्षण नहीं होता उनको उपचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिन मामलों में लक्षण पाए जाते हैं उन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सकता है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से बीएन आयुर्वेदा संस्थान के अनुभवी डॉक्टरों से बात करके अपनी समस्या के हिसाब से घर बैठे दवा मंगवा सकते हैं। हमारे बीएन आयुर्वेद संस्थान के द्वारा सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारी अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगली वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। आप देख रहे थे बीएन आयुर्वेद संस्था का यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।